ये देखे सर, एक फोटो देखे, एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि आप, ये देखे सर बंद होगी, आप सदन की मर्यादा को रहे। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो अभी। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे पोस्टर, नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है, कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो, बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत। स्पीकर सर, कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़ाइयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए सर, इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब आप बोलिए, चलिए इतना इंटरप्ट करते हो और बोलते बैठे, आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। ठीक है सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो,
आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो आप उनका जॉब में। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, अब कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे सर, स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। yes, yes. सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। नो सर, ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात, सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। सर नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज,